एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारा सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत ही तरह तरह के पेड़, फल और फूल पाए जाते थे। वो जंगल अमीरों का जंगल भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर कभी भी किसी को खाने की कमी नहीं हुआ करती थी और प्यास बुझाने के लिए एक नदी भी थी। लेकिन उसी नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ के पास एक चुहिया रहती थी और वो अपने चार बच्चों के साथ उसी नदी के किनारे बरगद के नीचे बिल बनाकर रहती थी। चुहिया अपने बच्चों के साथ उस बरगद के पेड़ के पास खुशी खुशी रहते थे, किंतु हर दिन तो एक जैसा नहीं होता। एक दिन बहुत ही अचानक से बारिश होने लगी और बारिश वो इतनी तेज थी कि वहाँ के आसपास के गांव, घर, गाड़ियाँ, तालाब सब चीज डूबने लगे थे। घर तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। लेकिन अब इस हालात को देखकर नदी में भी बहुत ही ज्यादा पानी का बहाव भी बढ़ चुका था। इन सभी हालातों को देखकर चुहिया रानी बहुत ही ज्यादा चिंता में रह गई। उसे अपने बच्चों की बहुत ही चिंता सताने लगी। उसने सोचा, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? इसलिए वो अब पेड़ के सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर बैठ गई और सोची रही थी कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? कि अचानक एक आवाज आई। एक कौवा अपने ऊपर वाली टहनी पर बैठकर अपने बच्चे के साथ कुछ बातें कर रहा था। तब चूहिया ने उस कौवे की बातें सुनी और उसे कहने लगा अपने बेटे से कि अब ये बरगद का पेड़ डूबने वाला है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यह सब सुन कौवे का बच्चा भी बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपने पापा को कहा, हमें यहाँ से चलना होगा। तभी उसी समय चूहिया रानी उस कौवे और बच्चे के पास आकर बोली, क्या आप मेरे बच्चे को भी यहाँ से ले जाने में मेरी मदद करेंगे? अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कौवे ने उसकी बात सुनकर मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं पहले अपने बच्चे को बचाऊंगी या मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा? तुम्हारे बच्चे को बचाने का मैंने ठेका लिया हुआ है। यह सुनकर चूहिया उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी। वह बहुत ज्यादा उससे विनती करने लगी कि मेरे बच्चे को भी बचा लीजिए। कुछ देर सोचने के बाद कौवे ने हामी तो भर दी और वहाँ से सभी को लेकर, वहाँ से अपनी पीठ पर लेकर वहाँ से उड़ गया। और जब वो उड़ ही रहा था, अचानक से चील ने उनको देख लिया और वह अब उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते जब कौवे उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बिल्कुल भी पानी ना था, वहां पर सभी लोग उतरकर आराम करने लगे। लेकिन परेशानी अभी भी खत्म ना हुई थी, क्योंकि कौवे के बच्चे को अब भूख लगी। लेकिन कौवे ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास तो पहले से ही खाना मौजूद है। तब कौवे के बच्चे ने कहा, कहाँ पापा पिताजी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तब कौवे ने कहा, ये क्या, चूहे और चूहे के बच्चे, इन्हें तो हम खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। जैसे ही कौवे ने चूहे को मारना चाहा, वैसे ही चूहे ने अपना दिमाग लगाया और वैसे ही अपनी पूंछ को उसकी आंख में दे मारा और कौवा बिल्कुल तिलमिला उठा। फिर से चूहे ने उसकी आंख में फिर से वार किया और इस बार चूहा पूरी तरीके से घायल हो चुका था। परेशानी फिर शुरू हुई। वो चील जो पीछा कर रहा था वो वहाँ पर आ पहुँचा। अब चील ने कहा कि तुम उस चूहे को नहीं खाओगे, क्योंकि वो मेरा खाना है। कौवे और चील की बहस को देखकर चूहे और उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। अब चूहे ने तरकीब निकाली कि किसी तरह यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है, वरना ये दोनों मिलकर मुझे और मेरे बच्चे को खा जाएंगे। चूहे ने देखा कि जब चील और कौवे आपस में लड़ रहे थे तो इसी बात का फायदा चूहे और चूहे के बच्चों ने उठाया और वहां से वो लोग भाग निकलने में कामयाब हो गए। तभी चूहिया ने अपने बच्चों को सीख दी कि कभी भी किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास कभी मत करना, चाहे भले ही क्यों ना उसने आपकी मदद की हो। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।